ग्रीन मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे मिशन की चर्चा करने जा रहे हैं जो जुड़ा है इस देश के हित से, जो जुड़ा है किसानों से, क्योंकि इसके बिना देश का आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। आज किसान परेशान है, किसान के पास अपनी समस्याओं के हल नहीं है। पेस्टिसाइड का उपयोग दर बदर बढ़ता जा रहा है। वैसे तो किसान देश चलाता है, क्योंकि 70 से 85% देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा कंट्रोल करता है किसान। लेकिन वही किसान आज अपने खेत में न जाने क्या क्या गलत चीजें उपयोग कर रहा है। वही किसान जो देश का अन्नदाता है, वो किसान आज अपने खेतों में बीमारियां उपजा रहा है। जो देश को चला रहा है वो बीमारियों को अपने खेत में उपजाने का प्रक्रम पैदा कर रहा है। सन 1960 में आई हरित क्रांति ने एक और जब देश के अंदर उत्पादन को लाने का प्रयास किया, तो देश में उत्पादन बढ़ाने के नाम पर उत्पादन तो कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ा, लेकिन जो यूरिया 10 किलो हम डाल रहे थे वो देखते ही देखते आज थैलियों से हम अपने खेत में डाले जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं इसकी जरूरत है? नहीं। अगर आप जान रहे होते तो ये कदापि नहीं करते। जहां हमारा काम गोबर खाद से भरा था, वहां आज हमारा काम उससे नहीं होता है। देश का अन्नदाता आज खुद को पहचानने से इनकार कर रहा है, वो सरकारी भरोसे पर टिका हुआ है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कैसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी समस्या होगी। तो हम जुड़े हैं आज, मैं अजय शर्मा, सबसे पहले अपना परिचय दे दूं, क्योंकि आपका परिचय मुझसे ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने आपका परिचय दे दिया। क्योंकि आप हैं तो मैं हूं, अन्यथा मैं नहीं हूं, और मैं आपके लिए हूं। सबसे पहले हम मिशन ग्रीन प्लैनेट, जिस पर हमें काम करना है धरती माँ को बचाने के लिए, माँ धरती को हमें बचाना है। हमारी धरती, हमारी खेती, हमारी मिट्टी का हजम आज खराब हो चुका है, जिसके बिना हमारा चल पाना, आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। हम कभी गुलाम थे, लेकिन आज हमने अपनी धरती माँ को अपना गुलाम बना लिया है। जो खुद दूसरों को गुलाम बनाए, क्या वो सही हो सकता है? आप इस बात पर सोचिएगा जरा, इस बात पर मंथन कीजिएगा। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं आपकी अपनी चीजों की। आप खेतों में क्या कर रहे हैं, खेतों की क्या स्थितियां हैं, ये देख लेते हैं। किसान सबसे पहले कहां समस्याएं किसानों को आ रही है, तो हम बात कर लेते हैं छोटी छोटी चीजों की। सबसे पहले किसान, पहले नंबर पे किसान अपने खेत की मिट्टी को देखे जो कि आज कड़क हो चुकी है। कभी इस मिट्टी में हल से ही जुताई हो जाया करती थी, लेकिन आज 45 से 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी वहां पर उठने लगा है, वहां पंजे काम नहीं करते। ये किसान की पहली समस्या बन चुकी है कि उसकी मिट्टी कठोर हो चुकी है, उसमें तत्वों की कमी आ चुकी है। दूसरी चीज, आज किसान जो बीज लगाता है मिट्टी के अंदर, वही बीज आज 70 से 65% ही केवल उसके खेत में उगने का कार्यक्रम करता है, अर्थात वह बीज ठीक से उग नहीं रहा। 100% का पैसा किसान दे रहा है, जबकि 70 से 65% ही लगभग वह बीज उग रहा है, अर्थात बाकी जो बचा हुआ 30% है उसका पैसा कौन देगा? किसान यहां पर लॉस में है। फिर हम आगे आते हैं, यह तो पहला नुकसान है किसान। कोई भी गवर्नमेंट सीड हो या कोई प्राइवेट संस्था द्वारा हाइब्रिड बीज हम लेकर आते हैं, वहां पर भी स्थितियां यह हैं, तो फिर 30% का लॉस किसान क्यों भुगतेगा? वो कौन देगा? आप स्वयं इस चीज को समझिए जरा। तीसरी चीज हम बात आते हैं, जब किसान अपने खेत में अपने बीजों को लगा देता है, तब शुरू होती है असली बात।
जब वो लगा देता है तो 30% तो यहां नुकसान हो गया, लगाने के बाद में जब वो बीज लगाता है तो बीज यूनिफॉर्म में नहीं बनता, बल्कि वह छोटा मोटा होता है, आगे पीछे निकलता है। तो अगर आप पूरा खाद खेत को सही समय पर दे रहे हो तो ऐसा क्यों? बराबर, एग्जैक्ट, सही, एकदम सही, सही यूनिफॉर्म में पौधा निकलना चाहिए, जबकि क्या यह हो रहा है? नहीं हो रहा। फिर हम आगे बात करते हैं तीसरी समस्या के बाद में, चौथी समस्या। चौथी समस्या यह है कि जब पौधा निकल जाता है, पौधा निकल तो गया, वो यूनिफॉर्म में ना निकला, यूनिफॉर्म में ना निकलने के बाद में चौथी समस्या उसके साथ यह हुई कि पौधा निकला, निकलने के बाद ज्यादातर चनों में और कुछ ऐसी फसलें हैं, निकलने के बाद से ही उब हुक की शिकायत, मतलब खड़ा पौधा सूख जाता है। अब खड़ा पौधा सूख जा रहा है अर्थात उसमें फंगस लग रहा है, जबकि आप मार्केट से कुछ लेकर आते हैं प्रोडक्ट्स और बीज उपचारित करके उसके अंदर लगाते हैं, लेकिन वो काम प्रॉपर वे में नहीं कर रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? समझेंगे आगे चल के। हम कुछ समस्याओं को पहले डिटेल्स में समझ लेते हैं। पांचवी समस्या किसान के साथ, यहां तक बात ठीक थी। फिर फसलों में और बड़ी होती है, दिन ब दिन बड़ी होती है, 6 पत्तियां आती हैं और आगे बढ़ती हैं, फिर आप कुछ स्प्रे उनको देते हो, फसलें बढ़ती जा रही हैं और उसके पश्चात बात आती है फूल आने की। लगभग लगभग एक चना या एक सोयाबीन ये पेड़ में 100 से 150 फूल आते हैं, लेकिन क्या उस चने के पेड़ में 100 से 150 फूल टिक पाते हैं? नहीं। उस 150 फूल में से 70 या 80 फूल टिकते हैं और सभी फूलों की साइज छोटी बड़ी होती है। यहां तक बात ठीक है, अर्थात सीधा सीधा 70 फूलों का नुकसान उसका हो रहा है अगर 150 फूल आए, बाकी फूल झड़ जा रहे हैं। इसका जवाब आपके पास नहीं है, मैं जानता हूं, जवाब मिलेंगे आपको आगे। पहले हम आगे बढ़ेंगे कतार में, फिर बात करेंगे, ठीक है? तो पांचवी समस्या है फूलों की झड़ने की। छठी समस्या किसान की क्या है, तो आइए हम बात कर लेते हैं किसान की नेक्स्ट समस्या। किसान की जो अगली समस्या है, अब फूल तो झड़ी रहे हैं कहीं ना कहीं, और उसके बाद किसान के पास एक नई समस्या पैदा होती है, वो क्या है? किसान की एक अगली समस्या है कि फूल झड़ने के बाद अब फल का बनना चालू होता है। अब जब फल बनते हैं तो जो 70 से 80 जो फूल से फल बन रहे हैं, वो फल जो बनते हैं वो भी एक साइज के नहीं बनते, एक साइज के नहीं, अर्थात वो छोटे बड़े बनेंगे और कुछ तो बनेंगे ही नहीं, मतलब सड़ जाएंगे वहीं पर, तुरंत सड़ जाएंगे, आप उसको बचा नहीं पा रहे हो, अर्थात यहां पर भी किसान नुकसान उठा रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट चीज, ये थी कुछ चीजें, कुछ अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, नुकसान तो हुआ अपनी जगह, लेकिन हम ये चाहें कि नहीं, हमें इस नुकसान से बाहर निकलना है। अब उपाय क्या किया जाए? समस्या और भी है, मैं गिना दूंगा आपको, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं ये समस्या है, मैंने कुछ नया नहीं बताया। फिर ठंड की मार आती है किसान के ऊपर, अगर मान लिया जाए इन सब समस्याओं से 150 से 150 फूल टिका लिया आपने, फल भी बराबर बन गया, तो भी फल बनने से पहले जब फूल आएंगे, बरसात में सोयाबीन जब आप लगाते हो तो पानी ज्यादा गिरेगा, फसल खत्म, चने जब आप लगाएंगे तो आपके यहां पर ठंड ज्यादा गिरेगी, और अगर ठंड ज्यादा गिरी तो आपकी फसलें जल जाएंगी, चना जल जाएगा, कुछ नहीं बचना है, दायन हो जाएगा सब चीजों का। फिर बात आती है अगर यहां से भी आप बच गए तो ज्यादा टेम्परेचर हाई हुआ, तो जनरली देखते हैं कुछ फसलें टेम्परेचर हाई होने पर भी उन्हें नुकसान होता है, जैसे गिलकी आप गर्मी में लगाइए 45 से 50 डिग्री सेल्सियस पर जब भी टेम्परेचर जाता है तो आपकी गिलकी के पत्ते जलने लगते हैं, इसका भी कोई समाधान नहीं। फिर आप सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं कहता हूं, अगर आपको यह कह दूं कि यह सब पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद का पैदा है, क्योंकि 1960 से जब हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी
उसमें जो बचा हुआ यूरेनियम था, क्योंकि पश्चिमी देशों का जो उद्योगीकरण के जो उद्योग थे, उद्योगीकरण की श्रेणी को वापस सुधारने के लिए भारत के अंदर हरित क्रांति लाई गई और वहां का जो यूरेनियम जो विश्व युद्ध से बचा हुआ था वो भारत में यूरिया के रूप में तब्दील करके भेज दिया गया। वहां तक ठीक था, हरित क्रांति के रूप में हम लोगों ने इसका बहुत ज्यादा उपयोग करा। अब आप कहते हैं कि ठीक है यार ऐसा हुआ था, तो हम फिर अपने आप को ऑर्गेनिक में तब्दील करने के लिए तैयार हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं, आप चाहेंगे कि हम शुरू कर दें अपने रूप में खेती करना, ऑर्गेनिक खेती। अब आप ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करें तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि ठीक है मैं खेती करता हूं, आपके पास 2 बीघे जमीन है, आप 2 बीघे जमीन है, आप खेती कर लो, आपके पास 2 जानवर है, 2 पशु हैं, और उनसे आप 2 बीघे में गोबर आदि डाल के खेती कर लेंगे, कर ले आप कर लेंगे। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनके पास 50, 100, 200 या 1000 बीघा जमीन है? 50 बीघा तक तो ठीक है, 1000 बीघे की जमीन वाले भी हैं, लेकिन 2 से 3 बीघा में जाना भी आपके लिए मुश्किल है आज। तो आप 50, 100 और 1000 बीघे में जाना पॉसिबल ही नहीं है इसके। फिर आगे बढ़ते हैं, ये चीज हो गई आपका प्रयास। फिर आप सोचो नहीं हमारी ये मदद सरकार करेगी, अब सरकारी मदद की भी बात कर लेते हैं। आइए, अब सरकार कहती है नहीं भैया आप अपने प्रयासों से जो कर रहे हैं वह ठीक है, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं आपको नॉडेप दे देते हैं, नॉडेप आप बनाओ और उसका खाद खेत में यूज करो। तो आपके पास क्या इतना समय है कि आप नॉडेप बना पाएंगे? नॉडेप बनाकर आप खेत के अंदर खाद डाल देंगे और पौधों को उचित रूप में वहां से उत्पादन प्राप्त कर लेंगे, क्या आपके पास समय है? नहीं, आपके पास समय का पर्याप्त अभाव है, आप वहां पर भी फेल हो रहे हैं। फेल होने से मेरा तात्पर्य यह नहीं कि मैं कुछ अनुचित वर्ड बोल रहा हूं, बल्कि ये कि ये सत्य है, आप इसे जानते हैं। जितना भी मेरा बताया गया मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं, मैंने इसमें कुछ नया नहीं किया, पहली चीज आप ये ध्यान रखें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब नॉडेप में हम ज्यादा 3-4 बीघे तक नहीं बढ़ सकते समय का अभाव होने के कारण, क्योंकि आज तकनीकल खेती हम कर रहे हैं, संभव नहीं आगे बढ़ पाना। फिर हम सोचे नहीं हम नॉडेप को न करें, हम एक काम करते हैं, इसके लिए भी मेरे पास समय नहीं है क्योंकि बड़े किसान ये सब नहीं करते, हम एक काम करते हैं गिंडोला जो केचुआ है, जो प्राकृतिक हलवाहा है हमारे खेत का, जो कभी हमारे खेत में पाया जाता था प्राकृतिक रूप से, लेकिन आज वो हमारी खेत से गायब हो चुका है। जो प्राकृतिक रूप से हमारे खेत को जोत देता था, जहां पर मिट्टी को उठाने से हाथ में बिना चिपके सोंधी खुशबू जिसमें हुआ करती थी, वो आज गायब है। तो उसका हम उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो हम वही कर लेते हैं, तो हम मार्केट से रेडीमेड केचुआ लाएंगे और उसको अपनी मिट्टी में डाल देंगे। लेकिन यहां पर भी आप फेल हो रहे हैं, ये भी आप संभव नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि मैं ऐसा करूं तो, क्योंकि आप 1960 से लगाकर 2020 तक, अर्थात 40 और 20 60 साल पूरे हो चुके हैं, यहां तक कि 61वां साल भी शुरू हो चुका है आपको यूरिया देते हुए। कब ये 10 किलो से लगाकर आज 2-3 थैली तक पहुंच गया आपको पता भी नहीं चला। तो आपके खेत में इतना यूरिया इतना केमिकल है कि अगर आप चाहें और उसके अंदर केचुआ खेत में डालेंगे तो वो मर जाएगा। तो यहां पर भी आप सक्सेसफुल होना मुश्किल काम है। अब सोचते हैं अब क्या, सरकार फेल चली, हमारे किए कराए उपाय चले गए। दूसरी चीज मैं आपको और बताता हूं, आप जब 1 से 2 बीघा में जब डालते हैं गोबर, वहां क्या होता है, आप मई से जून के मध्य आप उस गोबर को डालते हैं अपने खेत में, मई से जून जब रोहिणी तपती है, तीव्र टेम्परेचर रहता है, जिस टेम्परेचर में इंसान जैसा व्यक्ति, एक बड़े शरीर वाला व्यक्ति उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाता, तो क्या आपको पता है कि जो खाद आप गर्मी के दिनों में हाई टेम्परेचर में खेत में बिखेर देते हो उसमें वो बैक्टीरिया जिंदा रह पाएगा? नहीं। अर्थात तकनीकी ज्ञान भी कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरी हो रहा है आज, इसलिए किसान कहीं ना कहीं छूट रहा है जो एक
जिस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला है, जिस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के नाम पर राजा है, वो आज कहीं ना कहीं पीछे है। आज किसान, किसानी से हर व्यक्ति, हर किसान का बेटा दूर भाग रहा है। उसे लगता है कि मैं नौकरी करूंगा, क्यों? इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, मैं हूं, आप हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास बचा क्या? क्योंकि सरकारी प्रयास विफल, हमारा खाद विफल, डालने का तरीका विफल, फिर क्या बचा? इसलिए हम, मैं आपके साथ खड़ा, मिशन ग्रीन प्लेनेट आपके साथ खड़ा। इसमें हम ऐसी तकनीक लेकर आए हैं जिसके द्वारा आपको संपूर्ण बीज उपचार से लगाकर मिट्टी उपचार, यहां तक कि गेहूं, जिसका जिसके जो हमारे बचे हुए अवशेष खापे के रूप में रहते हैं, गेहूं काटने के बाद हम उन्हें जला देते हैं, उनमें आग लगा देते हैं, उसे तक सड़ाने के लिए और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हमने इजराइल की टेक्नोलॉजी विकसित की है। उसके बारे में हम अब आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट सेशन में अब, क्योंकि हम कई प्रयासों में आगे बढ़ पाना हमारे लिए मुश्किल है, किसान आज परेशान है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, हमारे प्रयास आज विफलता की ओर जा रहे हैं, देश का जो युवा है वो आज परेशान है, वो सोचता है मैं नौकरी करूं, क्यों भी? फिर नौकरी में क्या है? नौकरी ही करना है तो धरती माँ को कौन बचाएगा? कौन इस मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारेगा? ये खराब किसने की है? हम नौकरियों की ओर भाग रहे हैं, गांव से आज हमें शहरों की ओर जाना पड़ रहा है, हमारे पास समाधान नहीं। तो ऐसी ही स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आज हम लेके आए हैं मिशन ग्रीन प्लेनेट, आओ धरती माँ को बचाएं। तो हम पहले बात कर लेते हैं मिशन ग्रीन प्लेनेट किन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है। सर्वप्रथम मिशन ग्रीन प्लेनेट आज तीन तकनीकों पर काम कर रहा है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं और मैं आपको उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताता हूं। अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या हैं, मिशन ग्रीन प्लेनेट है क्या। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मिशन ग्रीन प्लेनेट कोई कंपनी नहीं है, मिशन ग्रीन प्लेनेट एक मिशन है जो धरती माता को बचाने के लिए आपके साथ खड़ा है, जो चाहता है कि धरती मां, हमारी मिट्टी जिसका हजमा आज खराब हो चुका है, जिसका डाइजेशन आज बिगड़ चुका है, वो सही हो, धीरे धीरे उसमें बदलाव आए। अर्थात पहले हमें अपने दिमाग से निकालना होगा कि यह कोई कंपनी है, अर्थात यह कोई कंपनी नहीं है, यह एक मिशन है धरती मां को बचाने का, सेव द मदर अर्थ, मिशन ग्रीन प्लेनेट। सर्वप्रथम तीन टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं हम, जिन पर मिशन ग्रीन प्लेनेट आज काम कर रहा है। तो पहली टेक्नोलॉजी जो है वो है हमारी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी। जो इजराइल की है, अर्थात हमारा जितना भी प्रोडक्शन का मटेरियल आता है वो इजराइल से आज मंगा कर यहां पर प्रोडक्शन फिर हमारे उत्पादों का। फिर दूसरी टेक्नोलॉजी है GP100 जो इंडिया की है, तथा तीसरी टेक्नोलॉजी है चिलेट टेट्रावेस। अर्थात तीन तकनीकों से मिलकर हमारा पूरा सिस्टम बना है। आप जानते हैं आज इजराइल और दक्षिण अफ्रीका आज आगे है हमसे कृषि के मामले में, तकनीकी कृषि तकनीकी के मामले में आज काफी उन्नति पर है इजराइल। ऐसे देशों से यह तकनीक लाई गई है और इस कंपनी के सीईओ बलजीत सिंह और एमडी के साथ दोनों मिलकर आज कड़ी मेहनत करके इस धरती माँ को बचाने के लिए लगे हुए हैं। तो इन तीन टेक्नोलॉजी पर पूरा मिशन टिका हुआ है, जिसके साथ हमें रहना है, आगे बढ़ना है।
इन तीन टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें करना है। फिर तीन टेक्नोलॉजी की बात हो गई, फिर हम बात करते हैं आगे की और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हम बात कर लेते हैं कि अब समाधान के रूप में आपने टेक्नोलॉजी दे दी, तो आप हमें क्या दे रहे हो, इससे क्या होना है, इससे होना है। क्योंकि अब बात आती है कि हम आपको समाधान के रूप में क्या दे रहे हैं, तो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि हमारा मिशन था आओ धरती माँ को बचाए, सेव द मदर मिशन ग्रीन प्लेनेट, अर्थात आओ धरती माँ को बचाए। अब अगर मैंने आपको बीच में बताया था, मैं याद दिला देना चाहूंगा कि आप कहते हैं कि नहीं ऑर्गेनिक हम यूज कर रहे हैं तो हमें बना बनाया मार्केट में भी मिल रहा है, आप कहते हैं चलिए ठीक माँ धरती माँ को आप बचा रहे हो, हम भी बचा लेते हैं ग्रीन प्लेनेट। ठीक है, आज 2000 से ज्यादा कंपनियां, मतलब 8-9-10 हज़ार कंपनियां इंडिया में मौजूद हैं जो ऑर्गेनिक के नाम पे अपना प्रोडक्ट बेच रही हैं, हम उनका उपयोग कर लेते हैं, हमारी धरती बच गई, हमारा हजमा धरती का जो मिट्टी है जिसका हजमा खराब है आज, जिसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो चुकी है, यहाँ तक कि पंजाब आधे से ज्यादा बंजर हो चुका है, आप कह रहे हैं ठीक है हम ऑर्गेनिक का यूज करने के लिए तैयार हैं। तो आप तो साइंटिस्ट तो है, लेकिन क्या आप एक एक तत्व को पकड़ के देख सकते हैं कितने तक आपकी मिट्टी के अंदर है? टोटल 17 से 19 प्रकार के तत्व आपकी मिट्टी के लिए मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट जरूरी होते हैं। उसी मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स, मैक्रो एंड माइक्रो टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है, जिन्हें मैक्रो एंड माइक्रो टेक्नोलॉजी। तो क्या आप उन तत्वों को ढूंढ सकते हैं मिट्टी में कि है या नहीं है? अब आप मिट्टी परीक्षण के भरोसे बैठेंगे तो उसको डालेंगे किसे? अब आप फिर ऑर्गेनिक पे जाएंगे, ऑर्गेनिक पे जाएंगे तो ऑर्गेनिक की पहचान क्या, वो कौन करवाएगा? तो सबसे पहले आप ध्यान, मैं नहीं कहता आप मिशन ग्रीन प्लेनेट की ज्वाइन कर लीजिए, कोई सी दूसरी कंपनी से ऑर्गेनिक की खेती करिए ना, आपको सिर्फ करना है पहचान में आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए आया है, मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का है। तो वो आप किसे करेंगे वो आप सबसे पहले देख लेंगे, क्योंकि 4 से 5 सर्टिफिकेट कंपलसरी होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक संस्था या ऑर्गेनिक तत्व को कंप्लीट करने के लिए कि ये क्या ऑर्गेनिक है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है IFNZ, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा ये मिशन चल रहा है, उससे इसका सारा प्रोडक्ट बना हुआ है। फिर सर्टिफिकेट जरूरी है वैदिक ऑर्गेनिक का, अर्थात वैदिक ऑर्गेनिक का अगर है सर्टिफिकेट दूसरे नंबर पर तो हम मान लेंगे कि ये वैदिक ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्रोडक्ट है, दो चीजें। अगर उसके बाद बारी आती है तो तीसरे प्रोडक्ट की, IAF इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फेडरेशन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना बाजार विस्तार और विश्वसनीयता और आश्वस्तता नहीं बनती, और अगर नहीं बनती तो उसके बिना संभव नहीं कि हम उसको खरीद। फिर अगली बात आती है चौथे नंबर पे, ये एक अवार्ड के रूप में है और यूज्ड आउट जो सबसे मस्टली देयर इंपॉर्टेंट है, उसका सर्टिफिकेशन अगर है यूज्ड आउट। अब यूज्ड आउट क्या है? यूज्ड आउट वो संस्था है जो कि अमेरिका के पशुपालन विभाग का मुख्य अधिकारी के रूप में, एजेंसी के रूप में कार्य करती है, वो संस्था है यूज्ड आउट जो वहां के पालक और जानवरों की स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए सुनिश्चित करता है और देखभाल करता है, वो संस्था है यूज्ड आउट जो इसको सर्टिफिकेशन देगा। अगर वो सर्टिफिकेशन देता है यूज्डा तो वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक मान लिया जाता है, क्योंकि अगर अमेरिका, अभी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अब भारत क्योंकि पहले नंबर पर आ चुका है सभी चीजों में, लेकिन उससे पहले अमेरिका ही पहले नंबर पर था, तो उसका सर्टिफिकेशन इज अ मस्टली देन इंपोर्टेंट। फिर आगे बढ़ लेते हैं, अगर ये सर्टिफिकेशन भी है तो एक सर्टिफिकेशन और भी जरूरी है, अगर इंडिया में वो कंपनी ऑर्गेनिक के नाम पर अपने उत्पादों को बेच रही है, आप इंडियन ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन होना कंपलसरी है, आपको एक या दो सर्टिफिकेशन जरूर किसी बॉटल पे मिल जाएंगे, लेकिन ये सारे मिल पाना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मिशन को इतने सारी चीजें लाने में भी समय लगा है। इसलिए ग्रीन प्लैनेट मिशन में आने के बाद कुछ लोग परेशान हुए, उनको सही चीजें मिली लेकिन उस चीजों को समझ नहीं पाए, तकनीकी को यूज नहीं कर पाने के कारण वे उससे थोड़ा हट गए, फिर आसानी की खोल। तो मेरा आपसे निवेदन है पहले ऑर्गेनिक को पहचाने, उसके बाद में ये सर्टिफिकेशन अगर पहचान पाते हैं आप तो आप
मानने की ओर के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम समस्या के रूप में ग्रीन प्लैनेट आपको क्या देता है, तो बात कर लेते हैं उस चीज की। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं मिशन आपको क्या देता है। किसान के लिए हमें कंप्लीट प्रोडक्ट परचेस, प्रोडक्ट जमीन से लगाकर उसके कंप्लीट फसल निकालने तक के लिए दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास भूमि खाद, आपकी जमीन को 16 से लगाकर 19 तत्वों की आवश्यकता लगती है, उसके लिए हम आपको भूमि खाद दे रहे हैं 4 किलो से लगाकर 12 किलो तक की पैकिंग में है। इसमें 19 प्रकार के कंप्लीट एलिमेंट मिले हुए हैं, साथ ही साथ बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद है, 32 प्रकार की उपजाति का बैक्टीरिया अलग से इसमें मिलाया है। फिर अगर ये हम खेत में डाल देते हैं तो आपको डालने से ही आपके खेत को नरम, मुलायम और पोली मिट्टी को बनाना है चालू कर देता है। आपके बैक्टीरिया में की बढ़त आपके खेतों में होने लगती है, केंचुआ बढ़ने लगता है और आपके खेत में जो मरा हुआ बैक्टीरिया उसको फिर पुनर्जीवन मिलता है और नए बैक्टीरिया को जो कि आपके खेत के लिए आवश्यक, अनिवार्य और कंपल्सरी है उनको इन्वाइट करता है। फिर अर्थात आप रासायनिक जो आप यूरिया डाल रहे हैं उससे आप पहली बार में 50% तक छुटकारा पा सकते हैं, चाहे आप पूर्णतः भी करें उसकी थोड़ी मात्रा और बढ़ा दीजिए। फिर हम अगले उत्पाद के रूप में आगे बढ़ते हैं, ये हमारा भूमि पावर हुआ। फिर हम पावर प्लांट प्रीमियम की बात कर लेते हैं। पावर प्लांट प्रीमियम पौधों की सुरक्षा और बीज उपचार और अन्य चीजों के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें भी कई प्रकार के बैक्टीरिया मिले गए हैं, कई प्रकार की उपजाति के बैक्टीरिया को इसमें डाला गया है। अगली बात हम एसटी सीड ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, जो आप 70% से 65% ही जो बीज आपका भूमि से निकल रहा था जिसका उगना संभव नहीं हो पा रहा था, ये 98 से 100% लेकर जाएगा। अर्थात आपकी बीज का जो पैसा आप पूरा लगा रहे थे उसका पूरा भरपाई ये सीड ट्रीटमेंट एसटी पावर प्लांट आपको करती है, अर्थात कोई शिकायत नहीं। इसके अंदर कंप्लीटली आपके बीज को बचाने की क्षमता है, उसकी सुरक्षा करेगा ये और पूर्णतः अंकुरित करेगा और सभी फसलों के लिए ये कॉमन है। आपको अलग अलग बीजों के लिए आपको अलग अलग मार्केट से लाने की जरूरत नहीं। अब फिर बात आती है कि फसल लगा ली, अब वो 2 से 3 पत्ती पर आ गई, उसके बाद सूखने लगती है। फिर सूखने की कंट्रोल तो हो ही जाएगा अगर आप इसे कर रहे हैं तो, फिर बाद में पौधे को बढ़ाना है क्योंकि उसमें आवश्यकता है आपको पर्याप्त टेक्नोलॉजी, पूरी टेक्नोलॉजी चाहिए, अधूरा ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि उसी के कारण आप आज विवश हो चुके, इतनी समस्याएं पैदा होंगी तो उसका समाधान चाहिए आपको। तो आपको पौधे को वृद्धि की आवश्यकता है, तो जैसे पत्ती 4 से 6 पौधे की हो जाती है तो आप उसमें ग्रो लगाइए। ये ग्रो है आपके पौधे में 4 से 6 पत्ती जब हो जाती है आप इसका स्प्रे करिए, आपको कंप्लीट आपके पौधों को ये वृद्धि देगा प्राकृतिक और नेचुरल रूप से। अर्थात यहां पर भी आपकी सहायता मिशन कर रहा है, पूरी आपकी देखभाल कर रहा है। फिर हम आगे बात कर लेते हैं पावर प्लांट ग्रो हो गया, इसमें भी केवल कई प्रकार के प्लांट एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट और जूस मिलाए गए हैं। फिर हम आगे बढ़ चलते हैं नाइट्रो की, जो पहला था उसमें 16 और 3 तत्व आपको नाइट्रोकिंग से 2 से 3 तत्व मिल जाते हैं, अर्थात एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम डालने के लिए जो यूरिया आप डालते हैं उसकी आपको आवश्यकता कदापि नहीं है, अर्थात कार्बनिक खाद के रूप में नाइट्रोकिंग अगर आप डालते हैं तो आपकी प्रतिपूर्ति यहां पर भी हो जाती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पौधा और बड़ा होने लगा तो आप चाहेंगे कि अब जो फूल आ रहे हैं वो पूरे झड़े नहीं, वो बचे रहे, उनकी सुरक्षा हम करें, तो आप ब्लूम लगाइए, आपके फूल झड़ेंगे नहीं, फल सही मात्रा में बनेगा, जितना फल बनेगा एक साइज यूनिफॉर्म में बनेगा, कंप्लीट बनेगा। अब यहां तक भी ठीक है, फल भी बन गया। अब फल बनने के बाद में कुछ भूमिगत फसलें होती हैं जैसे आलू वगैरह, उनके लिए स्पेशल आपको फूटर दिया गया है। जैसे ही आपका फल लगने लगता है आप फूटर यूज करिए, उससे ज्यादा मात्रा में फल, फूल से फल बनेंगे, अच्छे बनेंगे, एक साइज में बनेंगे, चमक अच्छी रहेगी, फ्रेशनेस कंट्रोल रहेगी, ठीक है। अब फ्रूटर के बाद में आगे हम बढ़ चलते हैं, फिर पावर प्लांट स्ट्रेस आउट आता है। मैंने बात की थी आपके पौधों को ठंड से बचाने की, गर्मी में गिलकी जलने से बचाने की,
पानी ज्यादा गिर जाए तो फसलों में विसरण के कारण कोशिकाओं के फूटने और गल जाने की, तो आप उसके लिए पौधों में, या पानी कम मिलने की स्थिति में सूखने की, तो आप उसमें स्प्रेस आउट लगाइए, स्प्रेस करिए, जैसे मालूम पड़ता है माहौल चेंज होने वाला है, स्प्रेस आउट डालिए, आपका चना 90% से ज्यादा सुरक्षित रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस से लगाकर हाई टेम्परेचर पे भी सुरक्षित रहेगा, अर्थात वो न जलेगा, न ठंड से जलेगा, न गर्मी से वो खत्म होगा, अर्थात यहां पर भी मिशन ने आपको पूरी प्रोटेक्शन दी। अब बात करते हैं, और यहां पर जो सुरक्षा हो गई, मतलब आपकी फसल पक चुकी है, अब पकने के बाद कुछ कीट आ जाते हैं, पावर प्लांट अब पक गए, इल्ली आना चालू हो गई, वो आपको खाएगी, तो इल्ली आने से जस्ट पहले या अमावस्या और पूर्णिमा के समय, लगभग कुछ पुराने किसान जानकार है जो जानते हो इस बात को, तो पूर्णिमा और अमावस्या के समय लगभग इल्ली का प्रकोप शुरू होता है, आपको कुछ नहीं करना है, हम आपको कुछ नहीं दे रहे, बॉटल के रूप में पूरी टेक्नोलॉजी दे रहे, पूरा बैक्टीरिया फॉर्म के रूप में, प्लांट एक्सट्रैक्ट के रूप में ये सारी चीजें आ रही है। तो अब हम आपको अगर इल्ली आने से जस्ट पहले अगर आप इसको डाल देते हैं पीपीएनपी को, तो आपकी इल्ली, छोटी इल्ली आएगी नहीं, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं इल्ली आ चुकी है, तो क्योंकि आज कुछ जो रासायनिक में लगातार खेती कर रहे आ रहे हैं किसान, उनपे इल्ली के मरने की समस्या गंभीर हो चुकी है, इल्लियां मर नहीं रही, फल पक भी गया, हमने पका भी दिया, तो फिर क्या करें, फिर भी इल्ली खाई जा रही है, उससे बचत कैसे करें, तो वहां पर हम पेस्टो हिट लगाए, 2 पांव की इल्ली से लगा करके, काली इल्ली या जो भी इल्ली हो, 8 पांव तक की इल्ली पर प्रॉपर रूप से वर्क करेगा, पूर्ण जैविक और प्राकृतिक रूप से उनको नष्ट करेगा। अब और हम आगे बढ़ सकते हैं, आपका फफून थ्रिप्स वगैरह आ रहा है, जड़ से आ रहा है, तो अगर वो जड़ से आ रहा है तो आप पीपीएफसी लगाएं, ये पाउडर के रूप में होता है, 100 ग्राम लगभग एक टंकी में आप 1 बीघे तक इसका उपयोग कर सकते हैं, तो आपका जड़ से आया हुआ फंगस खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी लहसुन के अंदर फंगस की शिकायत बहुत ज्यादा है, उसके लिए पीपीएफसी जड़ों से दीजिए, आप पानी के साथ चला दीजिए या स्प्रे कर दीजिए, दोनों चीजें। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं फंगस आ चुका है, भयंकर आ चुका है, तो आप फंगो हिट दीजिए, फंगो हिट अगर आप देंगे जो थ्रिप्स वगैरह की प्रॉब्लम है वो आपका कवर करवाएगा, फंगस अगर ज्यादा फैल चुका है, और नहीं अब फंगस तो कंट्रोल हो गया, अब बात करते हैं वायरस, ये नई चीज है, वायरस कंट्रोल कोई केमिकल नहीं कर पा रहा किसान, ऑर्गेनिक में तो ऑप्शन ही नहीं था अपने पास, तो फिर वो कैसे कंट्रोल हो, तो उसके लिए वायरोसोल आपके लिए है, वायरोसोल का स्प्रे आप दीजिए, वायरस आपका कंट्रोल हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, एक चीज और हमारे पास मौजूद है, वायरस तक तो बात ठीक है, लेकिन जो वायरस अगर हम सोचे कि नहीं यार वायरस तो आना ही नहीं चाहिए, कंपनी जो मिशन है हमारा, जिस मिशन को लेकर हम चल रहे संस्था के रूप में, आप लोगों के जुनून के रूप में, वो चाहता है कि समस्या को आने से पहले ही खत्म कर दिया जाए, उसको जन्म ही न लेने दिया जाए। हम एडवांस हैं, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका, मैक्रो माइक्रो टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि समस्या को आने ही नहीं दिया, तो वायरसोल वायरस आने के बाद की प्रोसेस है, लेकिन हम चाहते हैं कि वायरोहिट जो मक्खी वायरस को फैलाती है उसी को खत्म कर दिया जाए, तो उसके लिए कंपनी ने एक नया उत्पाद आप लोगों के लिए नई टेक्नोलॉजी के रूप में आपको दिया है, वायरोहिट, जो कि शीघ्र ही आपके सामने पेश हो चुका है और वो आ चुका है। फिर वायरोहिट के बाद में हम आ चुके हैं आर्गमेट, आपके इसमें मकड़ी और कई प्रकार के अभी थ्रिप्स की लहसुन में जले भी बनने की प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए स्पेशल है आर्गमेट, इसका आप उपयोग करिए एवं आपकी थ्रिप्स जड़ से खत्म हो जाएगी, पूर्णतः विश्वसनीय ऑर्गेनिक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आजकल आप लोग फर्टिलाइजर के साथ साथ जो केमिकल जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं उसमें आप चिपको यूज करते हैं, अब इतनी नुकसान तो मैंने आपको गिना है, अब जो यूज कर रहे हैं उसी पे एक नुकसान मैं आपको बताता हूं। अब उसमें यह हो रहा है कि आप लोग जो चिपको डालते हैं वो पत्ती के ऊपर फैल जाता है, फैलने के बाद में चिपका देता है दवाई को, लेकिन उसके आगे क्या, कोई भी इल्ली आपकी जड़ों के कभी भी
जो पत्ती होती है पत्ती के पीछे होती है, और आप ऊपर डाल रहे हैं वो फैल जाता है यहाँ पर, आपकी दवाई कहीं ना कहीं पूरी रूप से काम नहीं कर पा रही, जो आप रासायनिक डाल रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहा है, जैविक वगैरह ऑर्गेनिक तो दूर की बात है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, यानी कि आपको नुकसान, साथ ही साथ जो पौधों के ऊपर गिर रही है वहां तक ठीक है, लेकिन जो मृदा में गिर रही है जो दवाई वो आपके किसी काम की नहीं, वो वेस्ट हो रही है। तो इस समाधान जो समस्या है इसके समाधान के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए स्प्रेड ऑल 19। ये प्रोडक्ट ऐसा है, जितनी भी दवाई आप लेके चल रहे हैं, जितने प्रोडक्ट मैंने आपको बताए सारा ऑर्गेनिक, साथ ही साथ उसके साथ आपको स्प्रेड ऑल 90 10 से 12 ml देना है। अब ये काम क्या करेगा, क्योंकि चिपको की जगह हम डाल रहे हैं, क्वेश्चन आपका हो। स्प्रेड ऑल 90 एक ऐसी चीज है जो 5 प्रकार से मिनिमम काम करता है। पत्ती के ऊपर दवा को फैला देता है, दवा को फैलाने के साथ साथ ये एक प्लवक कोशिकाओं को पैदा करता है पत्ती के अंदर, और पत्ती के पीछे तक चला जाता है, अर्थात पत्ती के पीछे भी अगर इल्ली घुसकर बैठी होगी तो वो खत्म हो जाएगी स्प्रेड ऑल 90 से। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि ठीक है यहां तक भी ठीक है, दूसरा काम क्या है फिर इसका। तो ये काम करती है इसके तने को एक्टिव करने की, अर्थात ये एक्टिवेटर का काम करती है। तना एक्टिव हुआ, यहां से मुख्य तने में दवाई चली जाएगी, जो आपने किसी भी पौधे की एक पत्ती पर भी गिरी हुई दवाई तने तक, तने से जड़ तक जाएगी, और जो मिट्टी के अंदर पड़ी हुई है वो भी उपयोग जाएगी, वह दवाई भी उपयोग हो जाएगी। उसके बाद आती है ये भी उपयोग हो गई, दूसरा काम किया उसने जड़ों को एक्टिव करने का, जड़ों में दवाई फैलाई अन्य भागों तक, फूल तक, फलों तक, सभी जगह तक आपकी दवाई को फैलाई। तो हमारा यहां तक स्प्रेड ऑफ 90 का काम हुआ, एक्टिवेटर और बहुत सारे से काम है, अर्थात आपकी जितनी दवाई आप डालोगे उसके साथ आप स्प्रेड ऑल 90 अगर यूज कर रहे हैं तो आपकी पूरी दवाई पूरे पैसे का उपयोग हो रहा है। यही हमारी प्रायोरिटी है, यही मिशन की प्रायोरिटी, यही मेरी प्रायोरिटी है। किसान पैसा पूरा दे रहा है तो फिर अधूरा काम क्यों, अधूरा काम क्यों। फिर हम आगे बढ़ चलते हैं, ये हो गया। इतना होने के बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और अन्य प्रोडक्ट्स की। यहां तक हमने अपना पूरा सिस्टम पूरा प्लान करा, हमने स्प्रेड ऑल 90 देख लिया अपने। फिर बात आती है हम भारत पशुपालन में भी आगे हैं, पशुपालन भी हम लोग करते हैं, तो उसके लिए क्या मिशन कुछ दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आप बोतल दूध बढ़ाने के रूप में जो चूने का पानी मार्केट से खरीद के लाते हैं, जो डब्बे के अंदर ही नीचे तली में जम जा रहा है, आप जो बोतल लेकर आ रहे हैं 5 या 2 लीटर में नीचे ही उसका चूना बैठ जाता है, ऊपर आपका पानी भरा होता है, नीचे आपका चूना मिल जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि चूना आपके जानवर के पेट में भी जम रहा होगा, क्या आपको नहीं लगता। जो डब्बी में बैठ रहा है वो क्या जानवर के पेट में नहीं बैठेगा, और वो चूने का पानी जो गलत फॉर्म में आपके पशु को दिया जा रहा है, धीरे 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 वो आपके पशु की जान लेने लगता है अंदर ही अंदर। स्लो पॉइजन आप लोग ले रहे हैं, आज हर व्यक्ति इंसान, ब्लड प्रेशर आज हर घर में है, कब किसको कब हार्ट अटैक आ जाए पता नहीं। आज व्यक्ति की एज लगभग लगभग 60 साल ही होगी, अर्थात वो कब चला जाए कुछ कह नहीं सकते, स्थिति गंभीर है। और वही चीज आज वही, क्योंकि केमिकल से बन डाल के जो खेती के अंदर हम उपजा रहे हैं वही घास पशु खा रहे हैं, वो हाँ तक भी ठीक है। अब हम पशु को जो दे रहे हैं दूध बढ़ाने के लिए अपने लालच के रूप में, वो कैल्शियम का पानी हम दे रहे हैं, तो पशु 4-5 साल के बाद में ऐसी स्थिति नहीं रहती उसकी, वो गंभीर स्थिति में चला जाता है। फिर जो गोबर वो करेगा वो पतला करेगा, दूध बढ़ाने के नाम पर आप जो दे रहे हैं दूध आपका बढ़ेगा लेकिन पतला हो जाएगा। अब अगर दूध पतला हो रहा है तो बढ़ाने का फायदा क्या हुआ, और पशु आपका 4-5 साल में आधे कीमत में कितने बच जाता है, ये भी चीज आप जानते हैं।
फिर बात आती है नेक्स्ट नेक्स्ट जब बात आती है कि फिर हम क्या करें, तो मिशन ग्रीन प्लेनेट ने आपको दिया है एक वंडरफुल पावर मिल्क न्यूट्रिएंट्स के रूप में। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो विटामिन B12, विटामिन B2 एवं कैल्शियम ग्लेकोनेट फॉर्म के रूप में इसमें डाला गया है, अर्थात ये पौध पशुओं के कंप्लीट न्यूट्रिशन के रूप में काम करेगा। इससे सबसे पहले ये अगर किसी आप कमजोर जानवर पर यूज करते हैं, किसी कमजोर पालतू पशु पर यूज उपयोग करते हैं इसका, तो उसके स्वास्थ्य में, उसके डाइजेशन, उसके हाजमे को ठीक करता है। तो उसका हाजमा ठीक हो जाएगा, पाचन अगर सही होगा तो फिर वो पशु अच्छा तंदुरुस्ती होने लगी, उसके ब्लड को प्यूरिफाई करेगा पावर मिल्क, और प्यूरिफाई करने के बाद में यह फिर मांस उसके अंदर बढ़ाएगा, मांस की वृद्धि होगी, उसकी हड्डियां मजबूत होगी, क्योंकि ग्लाइकोनेट फॉर्म में इसमें कैल्शियम मिला हुआ है जो कि इंसानों को दिया जाता है, वही पशुओं को भी यहाँ पर इस पावर मिल्क में दिया जाए। फिर हड्डियां जो कुबड़ निकलती हैं जानवरों की बाहर से दिखती हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी। अगर जान पशु आपका जिसको आप दे रहे हैं वो पहले से तंदुरुस्त है तो उस पर चमक आने लगेगी, अर्थात आपका पशु पूरी रूप से स्वस्थ हो जाएगा। इसका उपयोग आप घोड़ों और अन्य पशुओं पर, गाय भैंस सभी को कर सकते हो। 20-20 ml आपको खली या अन्य पानी के साथ भी आप इसे सुबह शाम दे सकते हो। आपको 15 से 20 दिनों में इसका बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आगे हम बात कर लेते हैं चिक टू हैंड, यह मुर्गियों के लिए है जिसका उपयोग आप कर सकते हो। यह मुर्गियों में भूख बढ़ाने में मदद करता है और अंडे आपके बड़े बनेंगे। फिर हम कुछ और प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। हेल्थ केयर भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इस पर हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हेल्थ केयर हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है आप। अगर आप हैं, आपकी खेती करने के तरीके सही हैं, मैं मानता हूं हेल्थ पर बात करने की जरूरत शायद नहीं पड़े। अगर किसान जो अन्नदाता है इस देश का, वो अगर अच्छी चीजें उपजाए तो इन हेल्थ के प्रोडक्ट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मानना है आपको बदलना होगा, सही तकनीक का उपयोग करना होगा, सही दिशा में जाना होगा, क्योंकि इस देश का अन्नदाता दुखी है। तो आइए हम मिल चलते हैं, आगे बढ़ चलते हैं और जुड़ चलते हैं इस मिशन के साथ। तो मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करूंगा कि आप जुड़िए मिशन ग्रीन प्लैनेट से और इस धरती माँ को बचाने के लिए लग जाइए अपने पूरे जज्बे और जुनून के साथ। मैं हर इस वीडियो को देखने वाले से निवेदन करूंगा, अगर आप किसान हैं और या फिर किसान का बचाया हुआ एक दाना भी खा रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मुझे लाइक की जरूरत नहीं है, मुझे सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है इस देश में बदलाव की, जो मैं आपसे चाहता हूं। सो मेरा आपसे निवेदन है, आओ धरती माँ को बचाएं, सेव द मदर।